सो हेलो गाइज, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आप पीडीएफ फाइल बना सकते हैं बिना कोई ऐप के। जैसे कि आपको मैं एक दिखा देता हूं यहां पे पीडीएफ फाइल। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि पीडीएफ फाइल इस तरह, जैसे कि मैंने अभी पीडीएफ फाइल ये बनाया, दो चार फोटो लगा कर। इस तरह आप किसी भी चीज़ का फोटो खींच करके, स्क्रीन शॉट लेकर के पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। मैंने बहुत सारे यहाँ पर पीडीएफ फाइल भी बना रखा है, जैसे कि क्रेन है सबका। तो इस तरह आप अपने फोटो का या कोई भी चीज़ का पीडीएफ फाइल बना सकते हैं बिल्कुल ऑनलाइन। आपको कोई भी ऐप जरूरत नहीं है डाउनलोड करने की। कैसे आप कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है लॉग पीडीएफ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन लॉग पीडीएफ लिख करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट में ही एक वेबसाइट खुल जाता है, लॉग पीडीएफ का ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने में यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप फोटो को मैच कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको पीडीएफ बनाने का, तो पीडीएफ बनाने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीडीएफ टू, सॉरी यहाँ पे जेपीजी टू पीडीएफ यहाँ दिख रहा है। इस पर क्लिक करना है आपको, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी इमेज है आपके फ़ोन में, जिस इमेज का आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं, उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना। तो फाइनली सिलेक्ट जेपीजी पे क्लिक करना है इमेज पे। और यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास इमेज है, तो इमेज को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जितना भी इमेज को आपको बनाना है उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो फाइनली मैं यहाँ पे दो चार इमेज मैंने इस तरह देखे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कर लेने के बाद क्या करना है, ऊपर में आपको डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए इस तरह आपको ऑप्शन मिल जाता है। इस तरह आ जाने के बाद आप और भी फोटो यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन दिखता है। इस पर क्लिक करके आप यहां से और भी फोटो यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के डन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपका फोटो और भी यहां पे ऐड हो जाएगा। अब इसको आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं, तो इसको आप ऊपर खींच देंगे तो ऊपर में चला जाएगा, नीचे वाले को ऊपर, जहां अपने अंदाज से सेलेक्ट करना चाहते हैं कस्टमाइज कर सकते हैं इसको। ये नीचे का ऊपर करना चाहते हैं तो नीचे का ऊपर इस तरह कर सकते हैं। अगर हटाना चाहते हैं इसमें से किसी को, तो यहाँ कट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हट भी जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है जेपीजी में। कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कन्वर्ट टू पीडीएफ दिख रहा है, इस पर नीचे में क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको इस तरह दिखेगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड करने का, इस पर आपको क्लिक करना है। सॉरी क्लिक हो गया यहाँ पे। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपका जो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। नीचे में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पीडीएफ देख पाएंगे। पीडीएफ मेरा बन चुका है। बन जाने के बाद आपका गैलरी में भी चला गया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर